भाइयों बहनों, एक तरफ विकास की ओर हम बल दे रहे हैं, हिमाचल की सरकार और दिल्ली की सरकार, हिमाचल को अब डबल इंजन की ताकत मिली है और डबल इंजन की ताकत मिली है तो बड़े बड़े पहाड़ों पर भी विकास को बड़ी तेजी से ले जा सकते हैं, इस काम में हम लगे हैं। लेकिन साथ साथ देश में जो गलत होता रहा है, जो लूट चलाई गई है, खजाने को अपने निजी उपयोग के लिए उपयोग किया गया है, उसके खिलाफ मैंने एक लड़ाई छेड़ी हुई है और आपके आशीर्वाद से ये लड़ाई छेड़ने वाला मोदी लड़ाई छोड़ने वाला नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, हमने अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना शुरू किया, सरकार जो पैसे हैं जो हकदार है उसके खाते में सीधे जाए। उसका परिणाम ही आया, 6 करोड़ लोग ऐसे निकले कि जिनका जन्म ही नहीं हुआ था लेकिन सरकारी दफ्तर में वो पैदा हो गए, सरकारी दफ्तर में वो बड़े हो गए, सरकारी कागज में उनकी शादी हो गई, सरकारी कागज में वो विधवा भी हो गए, सरकारी कागज में वो बूढ़े भी हो गए, सरकारी कागज में वो दिव्यांग भी हो गए और रुपये जाते थे। 6 करोड़ लोग अभी तक तो मैं ढूंढ पाया हूं, 6 करोड़ यानी 10 हिमाचल जैसे लोग देश में जो पैदा ही नहीं हुए थे लेकिन खजाने से उनके नाम पैसे जाते थे जी। 90,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से लगातार उनके यहां जाता रहता था, अब मोदी ने सब बंद करवा दिया, 6 करोड़ लोगों के नाम निकाल दिए, जो सही होगा उसको मिलेगा, हक का मिलेगा। और जो अब मुझे बताइए, जो पैदा नहीं हुए, खजाने से पैसा जाता था तो कोई तो होगा ना जिसके पास जाता होगा, जाता होगा कि नहीं जाता होगा? ऐसे बिचौलिए होंगे, झोला छाप लोग होंगे, चेले चपाटे होंगे, कोई 200 खाता होगा, कोई 2000 खाता होगा, कोई 2 लाख खाता होगा, चलता होगा नहीं चलता होगा? अब इनकी सबकी दुकान बंद हो गई, अब वो मोदी को झूठा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उनकी चोरी बंद हो गई तो मोदी को चोर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उनको चौकीदार से डर लगने लगा है, चौकीदार से डर लगने लगा है। चोरों की नींद हराम हो गई है कि चौकीदार सोने को तैयार नहीं है, चौकीदार चोरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए परेशानी है। लेकिन आपके आशीर्वाद है इन परेशानियों को भी परास्त करेंगे और देश में ईमानदारी के प्रयास, ईमानदारी की सरकार, ईमानदारी का काम, ईमानदारी का लोकहित, इसी को लेकर के आगे चलेंगे।